मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज का जो डे है वो स्टार्ट हो चुका है, और आज का जो डे है इसमें मैंने ना एकदम मिसमैच सा नेल पेंट लगाया है। एक ना पिंक कलर का नेल पेंट ना मुझे मेरी दीदी ने दिया था कि उनके यूज नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला था कि तुम यूज करो, तो मैंने लगाया। कैसा लग रहा है? आप लोग कैसे हो वो कमेंट करके बताना। और आज का ना एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। आज मैं सच में खुश हूँ, और खुशी की वजह ये है कि मैं आज जिंदा हूँ, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, एक ना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। क्या हुआ कि सुबह में जब ना मैं एक बार ना तसल्ली से बैठ जाती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। आज यहीं पे आके मुझे थोड़ा ना कंफर्टेबल लग रहा है। आज पता है क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ कि मैं सुबह में सो रही थी, और मैं ना ऐसे उलट के सो रही थी, उल्टा सो रही थी। और मैं सुबह के ना कितने बजे की बात है, मे बी 7 बजे की बात है, मैं सो रही थी 7 बजे तक। तो मैं ऐसे उलट के उल्टा सो रही थी, तो थोड़े टाइम बाद में ना मैं ऐसे पलटी। जब मैं पलटी ना तो मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ, इतना तेज़ दर्द हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो मुझे ऐसा लगा ना कि ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम में, और उसके बाद वो दर्द ऐसा था ना कि मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं थोड़ा सा इधर भी नहीं हो पा रही हूँ, इधर भी नहीं हो पा रही हूँ, ना हाथ फैला पा रही हूँ। जब भी मैं हाथ मूव कर रही हूँ ना, तो इतना तेज़ दर्द हो रहा ना कि असहनीय, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और तब ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तुरंत मरने वाली हूँ, कि मेरे को ना हार्ट अटैक आने वाला है और मैं मरने वाली हूँ सुबह में। तो मैं ना ऐसे बेड पे ऐसे लेटी हूँ, मेरे को मूव नहीं हुआ जा रहा, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, और मैं बस ऐसा सोच रही हूँ कि अभी अचानक से तुरंत ज़्यादा पेन होने वाला है और मैं मरने वाली हूँ। और मन में इतना सारा ख्याल आ रहा है, इतना सारा ख्याल आ गया कि और मैं मर जाऊँगी तो क्या करूँगी, कैसे करूँगी यार, एक बार फ़ोन उठा के ना इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं मर रही हूँ, घर पर बात कर लेती हूँ। बट मैं हाथ भी मूव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं हाथ भी मूव कर रही थी ना, तब भी मेरे को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो ये ना एकदम आपको बता नहीं सकती, मैं इतना रोई जा रही हूँ, मैं ऐसे लेटी हूँ और मेरे आँख से ना आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर रही हूँ। मैं अपना लॉक वॉक किसको बताऊँ फ़ोन करके, और ऐसा चल रहा था कि मैं किसी को ना फ़ोन करके अपने फ़ोन का लॉक और सारी डिटेल बता सकूँ अपने बारे में कि ऐसा है ऐसा है ऐसा, देखो मैं तो मर रही हूँ, अपना ख्याल रखना ऐसा। बट ना कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, और मेरे को बस था कि अब सुबह में मुझे ना ये भी लग रहा था कि न्यूज़ में आने वाला होगा कि एक लड़की अचानक से रूम में बंद थी और डेथ हो गया, बहुत सारे चीज़ें होंगे कि मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं बस अभी मरने वाली हूँ, और मैं क्या करूँ, किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ, समझ नहीं आ रहा था। एक साथ ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और ना जैसे ही आधे घंटे तक, सच बताऊँ ना मैं आधे घंटे तक उस पेन में थी, पता नहीं क्यों ही अचानक वो पेन हुआ था, आधे घंटे तक मैं उस पेन में थी। आधे घंटे के बाद थोड़ा रिलैक्स होने लग गया, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं एक बार मूव करी, उसके बाद ठीक हो गया, मुझे ऐसा लगा कि चलो यार मैं तो जिंदा हूँ। और आज ना सुबह से मुझे ऐसा लग रहा कि आज तो मैं मर के जिंदा हुई हूँ। पता नहीं आप लोगों के साथ भी अगर कभी ऐसा हुआ होगा तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा ना, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन मेरे साथ ना ये पहली बार हुआ है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं सच बताऊँ, मैं 100% हो चुकी थी कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है और बस मैं मरने वाली हूँ। लेकिन थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ और मैं अभी आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। इस बात का मेरे को ना बहुत खुशी है, थैंक गॉड। आधे घंटे बाद जो मैंने सुकून का सांस लिया था ना, आधे घंटे जो मैं रोई थी ना, मेरी आंखें स्वेल हो गई थी। आधे घंटे तक मैं रो रही थी कि अब तो मैं मरने वाली हूँ, मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैं ऐसे लेटी थी और मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतना सा भी इधर नहीं हिल पा रही हूँ ना, इधर साइड में इधर फ़ोन था, मैं उठा नहीं पा रही थी। सोचो कि इतना भी मेरे से मूव, मेरा जो हाथ ऐसा था ना, ऐसे से ऐसे नहीं हो रहा था। सोचो इतना ज़्यादा मैं एकदम स्टक हो गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बहुत बुरा लग रहा था। थैंक यू गाइस, हो सकता है ना किसी की दुआएं काम आई होगी मेरे को, मतलब मेरे पेरेंट्स के, आप लोगों का, किसी की भी दुआओं में दागत हो सकती है, किसी की भी दुआ लग गई होगी और मैं आज जिंदा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। सीरियसली ऐसा लग रहा था ना कि ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है,
मुझे डर अफसोस नहीं था कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही थी, बट मुझे ये था कि मैं किसी को बता नहीं पाई अपने बारे में, मम्मी पापा से बात नहीं कर पाई, आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई और अचानक से मेरी लाइफ खत्म हो रही है, तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बट मुझे और जीना है ऐसा लग रहा है मुझे। क्या बताऊं गाइज, आप लोग ऐसे ही प्यार करो, ऐसे ही दुआ करो हमारे लिए कि आज मैं मर के जिंदा हुई हूँ। शायद आप लोगों की दुआ नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होती आज, और ऐसे ही एक दिन लाइफ ख़त्म हो जानी है, मैं ऐसे लेटी रहूँगी, ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ना अब सोचो, आज मेरी लाइफ ख़त्म हो जाती, मैंने जो इतना सब कुछ सोच रखा था, क्या करती मैं उन सब चीज़ों का, कुछ नहीं, ख़त्म था लाइफ। पता नहीं आजकल ना मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस क्यों हो रहे हैं कि मतलब ना लाइफ जीने का तरीका ही बदल गया है, ऐसा एक्सपीरियंस ना पता नहीं पहली बार हो रहा है या फिर जैसे भी हो रहा है, बट कोई नहीं, आज का डे स्टार्ट हो गया है और मुझे बाहर जाना है, तो चलते हैं बाहर क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है, बाहर चलते हैं, बाकी काम वाम करके आते हैं, बाकी आप हमारे ब्लॉग में बने रहें। और आप अगर आप लोगों के साथ जो सिचुएशन मेरे साथ हुआ है ना, अगर सेम सिचुएशन आपके साथ हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? ओके, बाय बाय गाइज। आजा सामने आ, सामने आ, सामने आ। क्या नाम है? नाम क्या है? इरफान। इरफान, और क्या चाहिए? कितना? 10 रुपए। उंगली से दिखाओ, 1-2 करके कितना होता है 10 रुपए? ऐसे ऐसे 10 रुपए नहीं होता, 1-2 ऐसे काउंट करके बताओ। 1-2 10 रुपए तो पता ही नहीं है इसे कितना 10 रुपए होता है। ये 5 और फिर 5 तो 10 रुपए होते हैं। आपका नाम क्या है? इरफान। अच्छा, हमारे साथ इरफान है, और इरफान को क्या चाहिए? 10 रुपए चाहिए। और 10 रुपए से इरफान क्या करेगा? क्या लेगा? खाना ले लेगा। इरफान इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ इरफान, यहाँ पे किसके साथ हो? अच्छा, 10 रुपए के तो कुरकुरे भी मिलते हैं, 10 रुपए तो कुरकुरे लोगे? इधर तो देखो, इधर देखो, इधर देखो, कौन है ये इरफान? इसमें स्मार्ट कैसे लग रहा है? दस रुपए के कुरकुरे? 10 रुपए के कुरकुरे चाहिए हैं? और बस। अच्छा, कैसे हो आप? चलो तो चाहिए 10 रुपए तो कुरकुरे, ये लो 10 रुपए। इधर आओ, ये भाग कहाँ आ रहे हो बे? दिखाओ जरा, 10 रुपए तो दिखाओ। 10 रुपए तो क्या कर लोगे? तुरतुरे। बढ़िया, 10 रुपए तो कुरकुरे लेके जाओ और खाओ, ठीक है? ऊपर डांस करके दिखाओ ना, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। गाइस, हमारे साथ ना आज सीपी में साकिब है, इनका नाम साकिब है। मैं आज इनसे मिली थी और ये सीपी में काफ़ी परेशान बैठे थे, तो मैं इनके पास गई, बात करी। बात करने के बाद मुझे ना ऐसा पता चला मुझे कि ये काफ़ी परेशान है, अभी देख भी सकते हैं, काफ़ी इमोशनल हैं ये। इमोशनल मतलब, ठीक है, क्या है ना कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने अपनी सारी कमाई अभी उनमें लगा दिया था, तो
प्रॉब्लम ये है कि ये शादी का प्लान कर रहे थे और इनका शादी होने वाला था, कब आज की शादी होने वाली थी, आज इनकी कोर्ट मैरिज शादी होने वाली थी और इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ज्वेलरी वगैरह खरीदा था वो भी 10 लाख रुपए तक का, और वो सारी ज्वेलरी लेके आज सुबह ही चली गई है, गायब हो गई है और उनको ये बहुत ढूंढ रहे हैं। इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन करा है। एक बार आप दिखाएंगे उनका फोटो, मैं ऑलरेडी वीडियोस में इनकी फ़ोटो दिखा चुकी हूँ और मैं फिर से मैं चाहती हूँ कि इनका हेल्प हो जितना जल्दी हो सके। वो गायब हैं और आप लोगों को भी कहीं भी देखें, एक बार मेरे हाथ में दीजिए, ये लड़की है, अगर आपको कहीं भी दिखे तो प्लीज आप पुलिस में कंप्लेन करो। क्या चाह, मैं पुलिस में कंप्लेन चाहता हूँ, जिस किसी भाई को या बहन को दिखे प्लीज वो पुलिस में कंप्लेन करे, मेरी प्रॉब्लम अगर ये मिल जाएगी तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी भाई। हाँ तो आपको कहीं आप गुजारिश है तो कहीं दिखे तो जरूर कर दे। हाँ तो एक बार आप ना पुलिस में जरूर, अगर आपको दिखे तो प्लीज आप इनको हेल्प करो, इनकी कंप्लेन करो पुलिस में ताकि इनकी थोड़ी हेल्प हो सके। मैंने बोला है सबको, वो आपको हेल्प करेंगे। चलिए ठीक है, आप अभी कुछ खाएंगे पियेंगे या फिर जाएंगे? जाएंगे आप। ये घर निकल रहे हैं, मैंने देखा है काफ़ी परेशान थे, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था, अभी भी देख सकते हैं ये बेचारे। रोइए मत, तसल्ली रखिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, बाय बाय। क्या पहले ये डांस करता था? डांस करता था, ये भी डांस करता है, एरोप्लेन बेचता। अच्छा, ये एरोप्लेन बेचता था, तुम डांस करते थे? स्पीकर ला के देने बोल रहे, स्पीकर ला के दिया था। अच्छा, 3,500 वाला ना। अच्छा ये बताओ, पहचाने कैसे हो, इतने दिन बाद आए हो सीपी? आपके पहले दाने थे ना दीदी? दाने थे, इसने भी नहीं पहचाना, पर मैं अब ठीक हो गया ना। आप बोलने भी नहीं बाद आना, तब मैंने इसको ला। अच्छा ये बताओ क्या पी रहे हो? मैं पी रहा सोडा। सोडा किसने दिलाया? दीदी ने। बढ़िया, मजा करो फिर। हाँ ठीक है, हमारे साथ तीन बच्चे हैं, तीनों हमारे पुराने मित्र हैं सीपी के। हैं, अब जल्दी जल्दी से बताओ तुम लोग क्या बोल रहे थे? ये हमारे दोस्ती आ गया, उनका स्पीकर ला के देने, 3,500 वाला स्पीकर ला के दिया था। कितने हजार का स्पीकर दिया था? 3,500। 3,500 का स्पीकर ला के मैंने दिया था। वो क्या करते हैं उस पर डांस? डांस करते हैं। ओके, और इसका नाम क्या है? चंदन। चंदन, मैं तो इसका भूल ही गई थी। अभी ये लोग पिए हैं सोडा कोल्ड ड्रिंक एंड कर रहे हैं बहुत मजे। ये खा रहा है क्या, दिखाओ भाई क्या खा रहे हो? आलू। आलू फ्राइज खा रहा है ये लोग। और ये लोग सीपी के ना एकदम क्या ही बताएं, बहुत शानदार बच्चे हैं, बहुत मजा करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? भांगड़ा डांस भी करते हो ना? एक दिन आते हैं फिर भांगड़ा डांस करते हैं। ठीक है, अभी जाए आपका वीडियो करके भेजेंगे। हाँ, आपको वीडियो करके भेजेंगे। चलो ठीक है फिर। हाँ बाय बाय, सब्सक्राइब करना। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। अगर तुगल की शासन जो थी, उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके अगर मस्जिद बना दिया तो उसमें वो गलत नहीं था? उसमें भी गलत था। अगर हमें पता चल रहा है कि वहाँ मंदिर था, वहाँ पे तोड़ के मस्जिद बना दिया गया है, हम चाहते हैं कि अब हमारा सरकार है, हम जनतांत्रिक, हमारे जनतांत्रिक अगर हमारा सरकार है तो हम चाहेंगे ना कि हमारी जो मंदिर थी वो हमें वापस मिले, चाहते हैं ना कि हमें वो मंदिर वापस मिले। अगर हम अपने मंदिर फिर से बनाना चाहते हैं तो मुसलमानों को दिक्कत कहाँ है? मुसलमानों को जितनी यहाँ पे आजादी, मुसलमानों को नहीं, राजनीति नेताओं को। मुस्लिम लोगों ने कहा है अगर वहाँ पे हिंदू की अवशेष और मूर्तियाँ मिली है तो वहाँ पे मंदिर बनने। इज्जत इंडिया में दिया गया है ना, वो जितनी भी यहाँ पे उनको आजादी दी गई है ना उतना हम लोगों को कहीं भी नहीं दिया। तो हम लोगों ने उनको उस हद तक बनाया है तो उनको प्रॉब्लम क्या, हमें इज्जत खत्म नहीं होती है? सच बताए तो यही बात है, उनको इज्जत खत्म नहीं होती। हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनके धर्म से प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम ये है कि हमने आपको जितनी आजादी दी है, हमने आपके धर्म को जितना एक्सेप्ट किया है, आपको हमारे धर्म से क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारे वहाँ पे मंदिर है तो मंदिर बनेगी, क्योंकि हमारी क्यों हमारे आस्था को ठेस नहीं पहुँच रही है? हमारे मंदिरों में मस्जिद बना दी गई तो हमारे भी तो आस्था को ठेस पहुँच रही है। तो हमें ये चाहिए, हमें उनके धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें किसी मुसलमानों से प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलनी चाहिए। आज भी।
फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज मैंने बहुत मजा करा है, वो सब आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि मैंने आज क्या क्या किया है बाहर, तो वो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि आई वॉन्ट कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर बाद या फिर कल, लेट्स सी। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। हाउ आर यू गाइज? ये देखो आज जो मैंने नेल पेंट लगाया इसका कहीं से कोई मैचिंग नहीं है, ऐसे मैंने उठाया और लगा दिया। पहली बार ना मैंने ये कलर ट्राई करा है, ये कैसा लग रहा है वो आप ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लुक काली हाथों पे पिंक नेल पेंट आप लोग गाइस कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। ओके गाइस, बाय बाय।